स्वागत है आप सभी का दर्शन बिहार में। आज के इस वीडियो में हम मिलने वाले हैं डॉक्टर नीरव से, डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी। नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरव कुमार, मैं एडिशनल प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, मैं हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ और आज उसी से रिलेटेड हम लोग बातें करेंगे। सर, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनके बारे में लोगों को जागरूकता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सर पहले देखा जाता था ना कि अमूमन जो 35+ के एजेस के लोग होते थे उनमें हार्ट अटैक की समस्या होती थी, लेकिन आजकल जो है कम एज के लोगों में भी ये समस्या देखी गई, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है। यूजुअली जो वेस्टर्न कंट्री है या यूरोपियन कंट्री है, वहाँ 6th और 7th डिकेड में, मतलब 60 या 70 साल के एज में हार्ट डिजीज होता है। इंडिया में ये लगभग 10 से 15 साल पहले होता है, लेकिन अब ये देखने आया कि युवाओं को हार्ट अटैक हो रहा है। मैंने एक 16 साल के लड़के का एंजियोप्लास्टी किया, तो ये अब अर्लियर एज में हो रहा है। उसका बहुत बड़ा कारण है हम लोग की फिजिकल इनएक्टिविटी। आपने देखा होगा माएँ जो है बचपन से ही लोगों को बताना शुरू करती हैं, बेटा तू खा नहीं रहा, खिलाती रहती हैं। yes. और बच्चा कंप्यूटर के सामने बैठा रहता है और दिन भर गेम खेलते रहता है, तो ये बहुत बुरी आदत है जिसकी वजह से मोटापा बढ़ता है। मोटापा बढ़ने का ये मतलब नहीं कि आप खूब मोटे हो गए, अगर आपका तोंद निकल रहा है, आपने 34 से ज़्यादा के साइज़ की पैंट पहन रखी है, तो आप खतरे में हैं। ये तोंद जो है हार्ट डिजीज के लिए प्रोन करता है। तो फिजिकल इनएक्टिविटी, खेलते नहीं हैं, बाहर प्लेग्राउंड कम है, प्लेग्राउंड है तो वर्चुअल वर्ल्ड में लोग खेलते रहते हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है हमेशा कुछ ना कुछ, और लोगों को देखा देखी गलत आदत की आदत हो जाती है, जैसे कि स्मोकिंग की, तंबाकू की, ड्रिंकिंग की। ये फैशन में यूजुअली शुरू करते हैं और बाद में घातक हो जाता है। हाँ, ये हमें समझना होगा कि ये गलत आदतें अवॉइड करनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। प्लस स्ट्रेस, एक्सट्रीम स्ट्रेस जो है युवाओं को हार्ट डिजीज के लिए प्रोन करता है। आपने देखा होगा बच्चे एकदम कम एज से टारगेट लेके चलना है, ये करना है, वो करना है, और नहीं हुआ अचीव तो फिर ज़्यादा और स्ट्रेस लेके पड़ रहा है, डिप्रेशन फील करने लगते हैं, कई बार सुसाइड्स वगैरह करने लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये स्ट्रेस, कांस्टेंट स्ट्रेस भी हार्ट डिजीज का कारण है। हमें समझना होगा कि ये गलत है, स्ट्रेस कम लगना चाहिए, हमें योगा करना चाहिए। हाँ, टारगेट अचीव करें, उसकी प्लानिंग करके करें, लेकिन ये इसके लिए अपने हृदय को रोगी नहीं बनाएं, ये ज़रूरी है। क्योंकि सर हृदय रोग ऐसा रोग है सर जो कि वो बिल्कुल भी हमको टाइम नहीं देता है सर, तो सर इसके लिए हम क्या करना है, आप क्या बताना चाहेंगे सर हमारे यूट्यूबर्स को कि सर जैसे कि कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं सर कि लोगों को मतलब बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता। अभी कुछ दिन पहले की घटना है सर, एक कोई युवा थे नीचे बैठे हुए थे नीचे के ग्राउंड में, और उन्हें अचानक से हार्ट पेन हुआ, ठीक है, वो हॉस्पिटल के अंदर थे, उन्हें हार्ट पेन हुआ, ठीक है, उन्हें सारी सुविधाएँ दी गई, इमरजेंसी ड्रग्स जो भी होता है उन्हें दिया, प्रोवाइड किया गया और कंटिन्यू CPR भी किया गया, लेकिन फिर भी वो सर्वाइव नहीं, विदिन 1 आवर। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात है कि यंगर एज में हार्ट अटैक हो गया तो वो मतलब सोसाइटी के लिए लॉस है। जब वो अर्न कर रहा है फैमिली के लिए, या अर्न करने वाला या अर्न कर रहा है, तो बहुत सारे लोग उस पर डिपेंडेंट रहते हैं। वो अगर हार्ट अटैक हो गया और उसकी मौत हो गई तो सोसाइटी के लिए रियली ट्रबल है, हमें समझना होगा। दूसरी बात कि हार्ट डिजीज ऐसा डिजीज है जो समय नहीं देता। यूजुअली जब हार्ट अटैक होता है लोग उसे गैस समझते हैं, डॉक्टर के पास लेट जाते हैं। क्वेश्चन है सर कि लोग जैसे कि लोगों को थोड़ी सी छाती में जलन टाइप का होता है या फिर दर्द हल्का फुल्का महसूस होता है, वो लोग सोचते हैं कि एसिडिटी है, ठीक है, बस यूँ तो ठीक हो जाएगा, बस यूँ इग्नोर कर देते हैं, फिर एक दो बार होता है इग्नोर, थकान भी महसूस होता है तो भी लोग ऐसे ही करते हैं कि मतलब नॉर्मल ले लेते हैं, तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये समझना है कि हर छाती दर्द गैस नहीं होता है, और हर गैस की प्रॉब्लम छाती दर्द नहीं होती। कोई भी दर्द जो बहुत ज़्यादा सीवियर हो, यूजुअली सेंट्रल लोकेशन में हो और हाथ की तरफ जा रहा हो या जबरे के तब बढ़ रहा हो, तो ये खतरनाक है, समझना होगा। साथ में अगर पसीना छूट रहा है, घबराहट हो रही है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सब कुछ बर्बाद हो रहा है, या बहुत ज़्यादा सीने में दबाव सा महसूस कर रहे हैं, तो ये हार्ट डिजीज के लक्षण हैं। लेकिन अगर इससे अलग हटके भी एटिपिकल लक्षण होते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग को सिंपल घबराहट हो रही है, पसीना छूट रहा है, बहुत सारे लोग को सिर्फ चक्कर आ रहा है, बहुत सारे लोग को सांस फूल रहा है बैठे बैठे या चलने में सांस फूल रहा है, तो एकाएक अगर कोई सिम्टम हो जो पहले नहीं था, तो इसको सीरियसली लेना चाहिए। ये मन नहीं समझना चाहिए कि ये कुछ नहीं है, गैस है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सारे प्रोफेसर से सलाह लेने लगते हैं पूरे सोसाइटी में, ये पी लो, वो पी लो, ऐसे करो, वैसे करो, इसमें हाँ इसमें हाँ इसमें कितने घंटे निकल जाते हैं। जबकि हार्ट में एक रूल है जिसको गोल्डन रूल हम लोग बोलते हैं, गोल्डन रूल बोलते हैं कि अगर हार्ट अटैक हो तो जितनी जल्दी अगर हॉस्पिटल आप पहुंच रहे हैं, जितनी जल्दी इलाज शुरू हो रहा है उतना बेहतर होता है, क्योंकि हर मिनट हार्ट के टिश्यू डेड होते रहते हैं और लगभग 6 से 12 घंटा होते होते पूरा हार्ट का टिश्यू डेड हो जाता है। तो हमें ये समझना होगा कि जितना जल्दी पहुँचे
उतना जल्दी इलाज शुरू होगा और बचने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये डिले नहीं करना चाहिए, इधर उधर सलाह लेने के बजाय अनयूजुअल सिम्टम है तो तुरंत ऐसे डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए जहाँ ECG हो सकता है। खुद से डिसाइड मत करिए, डॉक्टर की सलाह लीजिए, क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह लीजिए, इधर उधर घूम के टाइम बर्बाद नहीं कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि सर टाइम का बहुत महत्व है हार्ट डिजीज़ में खास करके। सर तो आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि मतलब घर में कोई व्यक्ति है उसे अचानक से मतलब हार्ट पेन हो गया, वो बहुत ज़्यादा कई बार होता है सर, मूवी में दिखाया जाता है कि जैसे कि हार्ट अटैक आता है तो हार्ट को पकड़ के आओ कर रहे होते हैं सर, तो मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि अगर हमें भी हार्ट अटैक आएगा तो बिल्कुल ऐसा ही फील होगा तो मतलब जाएंगे हॉस्पिटल, तो कभी कई बार होता है कि ये साइलेंट पेन, ऐसा साइलेंट बिल्कुल अटैक से। तो अगर किसी को हार्ट अटैक होता है तो आजकल ब्लड प्रेशर तो हर घर में लोग मेज़र कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर देखना चाहिए। और दूसरी बात कि अगर हार्ट अटैक लग रहा है, लक्षण ऐसे लग रहे हैं, तो डिस्प्रिन टैबलेट जान को बचाने वाला साबित हो सकता है। साथ में सॉर्बिट्रेट 5 मिलीग्राम जीभ के नीचे रखने से पेन काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तुरंत ले सकते हैं, हाँ तुरंत ले सकते हैं, एक टैबलेट लेने में हर्ज नहीं है, लेकिन ये हार्ट अटैक है तो बहुत बेहतर रहेगा ये दवाई लेने। लेकिन समझना होगा कि डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है, सिर्फ शक के बिना पे अगर आप ले रहे हैं तो ये खतरनाक है, इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचना है, ECG करानी है, वो बहुत ज़रूरी है, टाइम बर्बाद नहीं करना इधर उधर करके। और सबसे बड़ी बात है इसमें सडन डेथ हो जाता है, हार्ट अटैक हुआ एरिथमिया से सडन डेथ होता है, लोग के एकाएक हृदय गति रुक जाती है, तो हार्ट अटैक हुआ तो इमीडिएट अगर हॉस्पिटल पहुंच गए तो बचने की संभावना ज़्यादा होती है, तो जल्दी पहुंचना चाहिए। ये सर जैसे कि रास्ते में कई बार बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है तो उस टाइम पर सर वो शायद CPR करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, अगर कोई आदमी अगर बेहोश हो जाता है, किसी आदमी का पल्स अगर आप देख रहे हैं कि पल्स नहीं फील हो रहा है, कोई आदमी अनरिस्पॉन्सिव हो गया, वो गिर गया, या कोई किसी आदमी का ब्लड प्रेशर फील नहीं हो रहा है, इमीडिएटली CPR करना चाहिए। CPR एक प्रोसेस है जिसमें चेस्ट वॉल को हम लोग एंटीरियर चेस्ट वॉल वहाँ ऐसे प्रेस करते हैं जिससे हार्ट फिर से पंप करने लगता है, ये लाइफ सेविंग हो सकता है। बहुत सारे व्यूअर इसे दूसरे चैनल पर भी देख सकते हैं, लोग पता कर सकते हैं कैसे CPR करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हम लोग CPR पर डिस्कस करेंगे, इससे इम्पोर्टेंट लाइफ सेव हो सकता है, ये सोचना चाहिए। सर पहले ऐसा देखा जाता था कि सिर्फ जो हार्ट डिजीज है वो पुरुषों में होती थी, लेकिन आजकल हम लोग जो सर केस करवा रहे हैं उसमें महिलाएं भी आ रही हैं जियोग्राफी के लिए, तो सर इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये हार्ट डिजीज़ जो है मल्टीफैक्टोरियल है, बहुत सारे कारण से होता है, उसमें इम्पोर्टेंट कारण हमें जानना चाहिए जिस जो हार्ट डिजीज कराता है, जैसे कि स्मोकिंग, अगर स्मोकिंग लेडीज़ करती हैं तो हार्ट डिजीज के लिए प्रोन हो जाती हैं, उसी तरह हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर अगर ट्रीट नहीं किए तो वो हार्ट डिजीज का कारण बन सकता है, उसी तरह बहुत बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, जैसे कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है LDL कोलेस्ट्रॉल अगर 160 के ऊपर है तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि यंग एज में भी हार्ट डिजीज हो जाए, तो लेडीज़ में जिनके कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है उनको होने की संभावना ज़्यादा होती है। और कहा गया कि लेडीज़ के अंदर मतलब ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि हार्ट अटैक से उसे प्रिवेंट करते हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल सही है, अप टू मेनोपॉज जो एस्ट्रोजन है उसकी वजह से लेडीज़ में हार्ट अटैक कम होता है, लेकिन अगर वो एडिक्टेड हैं स्मोकिंग के, अगर वो अल्कोहल लेती हैं ज़्यादा, अगर बहुत ज़्यादा ओबीज हैं, अगर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा रेड मीट वगैरह लेती हैं, उन्हें भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। प्लस ये समझना होगा बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंट स्ट्रेस भी हार्ट डिजीज़ का कारण हो सकता है, तो डेफिनेटली लेडीज़ में डिलेड हार्ट अटैक होता है, लेकिन अगर कुछ व्यसन हैं उनको, बुरी आदतें हैं, तो वो पहले भी हो सकता है, तो हमें समझना। प्लस अगर फैमिली हिस्ट्री है, अगर मदर फादर दोनों को 55 साल से कम के एज में हार्ट डिजीज हुआ है तो उनको हार्ट डिजीज होने का ज़्यादा संभावना है, ऐसे लेडीज़ जिनके मदर फादर दोनों को 55 साल से कम एज में है तो बच्चों को भी होने की संभावना है, तो ये मान के ना चलें कि हार्ट डिजीज नहीं हो सकता है, ये मान के चलें कि कोई भी नॉर्मल सिम्टम हमें पकड़ना होगा क्यों होता है। और ये सिम्टम क्या होते हैं, जिस यूजुअली 80% लोगों में हार्ट अटैक से 2 हफ्ता पहले पता चलने लगता है कि उसमें दिक्कत है, 80% लोगों में, जैसे कि वो अगर चलते हैं और सीना भारी होता है, अगर सीढ़ी चढ़ते हैं और सीना भारी होता है, या चलने में सांस फूलने लगा जो नया है, पहले कभी नहीं होता था और अब नया सांस फूलने लगा, या चलने में एक्सट्रीम वीकनेस होने लगी, या चलते चलते ऐसा लग रहा है कि धड़कन बढ़ती जा रही है, ये नया है पहले नहीं था, तो ये हार्ट डिजीज़ का लक्षण है, इसे एंजाइना कहते हैं। समझना होगा कि अगर कोई भी चीज़ चलने पे हो और आराम करने पर आराम हो जाए तो डेफिनेटली ये हार्ट से रिलेटेड होता है, तो हमें समझना होगा कि अगर ये लक्षण हो रहे हैं, अगर पहले हम लोग पकड़ लें तो हम हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, हमें समझना होगा कि अगर इस तरह के लक्षण हैं तो सावधान रहने की ज़रूरत है। यस सर, थैंक यू।
सर आप हमारे युवाओं के लिए क्या बताना चाहेंगे कि सर मतलब किस तरह के खान पान उन्हें बरतनी चाहिए, क्योंकि आजकल की सर लाइफ स्टाइल ऐसी है कि बाहर का खाना खाना ही होता है, लोग ज़्यादा तला हुआ खाना पसंद करते हैं, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर युवाओं को? मैं युवाओं को कहना चाहूँगा कि जो हमारा जो कन्वेंशनल जो हमारा खान पान था जो पहले था वैदिक काल में, कि ये वेजिटेरियन डाइट ज़्यादा था, फास्ट फूड का प्रचलन नहीं था, डेफिनेटली फास्ट फूड पिज्ज़ा बर्गर हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड चीज़ें हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, स्मोकिंग तो बिल्कुल ना करें, तंबाकू देखा देखी गुटखा वगैरह बिल्कुल ना खाएं, इससे हार्ट डिजीज होता है, और सबसे ज़रूरी है एक्टिव रहें, बैठे बैठे कंप्यूटर के सामने या पढ़ाई करके अपनी मतलब हार्ट डिजीज के लिए प्रोन कर रहे हैं। हर इंसान को पर्टिकुलर युवाओं को 30-50 मिनट्स डेली रेगुलर जॉगिंग करना चाहिए, वॉक करना चाहिए, 10 मिनट में कम से कम 1 किलोमीटर चलना चाहिए। तो अगर आप 40 मिनट चल रहे हो और रेगुलर चल रहे हो, योगा कर रहे हो, तो डेफिनेटली हार्ट डिजीज से आप बचे हो। और स्ट्रेस कम रखना चाहिए, जितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा हार्ट डिजीज होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी। आप लो टारगेट तय करो, कूल वे में उसे करना है, ऐसा नहीं कि इसके लिए सब कुछ दाव पे लगा दिया खुद हार्ट डिजीज हो गया, ये सही नहीं है। स्ट्रेस बिना लिए टारगेट को अचीव करना है, साथ में रिलैक्सेशन से रिलेटेड योगा भी करना चाहिए, उससे भी स्ट्रेस कम रहता है, वॉकिंग से भी स्ट्रेस कम रहता है। और डेफिनेटली ये जो एरा है जिसमें खान पान बहुत इंपॉर्टेंट है, और नॉन वेजिटेरियन डाइट पर्टिकुलरली रेड मीट हार्ट डिजीज के लिए प्रोन करता है, अंडा का जो पीला वाला भाग है ये योक जो है वो हार्ट डिजीज के लिए प्रोन करता है, तो ऐसे अनसर्टेन चीज़ें ना खाएं, कभी कभी रेड मीट ले सकते हैं, फिश वगैरह हेल्थ के लिए सही है, और खूब सारा फ्रूट्स लें, 300-400 ग्राम फ्रूट्स डेली खाना चाहिए, सलाद कम से कम 100-150 ग्राम खाना चाहिए, ये हार्ट डिजीज के बचाने के लिए ज़रूरी है। हेल्दी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, और ये लंबे समय तक करना चाहिए, और यही जीने का ढंग होना चाहिए, ना कि कुछ खा लिया, कभी कुछ पी लिया, कभी काम चल रहा है, कभी खाना समय पे नहीं लिया, कुछ से कुछ खा रहे हैं, वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए। सर हमेशा जो है रिसर्च होती ही रहती है मेडिकल साइंस में, खास करके कोई भी चीज़ ऐसे की नहीं रहती है, तो सर आप बताना चाहेंगे कि अभी जो है क्या नया आया है हार्ट अटैक के संबंध में, मतलब हार्ट अटैक कैसे होता है, क्यों होता है, और पेशेंट को क्या करना चाहिए? ये समझने की बात है कि हार्ट अटैक यूजली हार्ट में 3 नसें होती हैं, उसमें जब थक्का जमता है तो हार्ट अटैक होता है। थक्का अगर 100% नस को ब्लॉक कर दे तो उस नस से जो ब्लड का सप्लाई जा रही है हार्ट के मसल में वो ख़त्म हो जाएगी और पेशेंट को पेन शुरू हो जाएगा, इसी को हार्ट अटैक कहते हैं। तो थक्का जो जमता है, तो पहले जो थी दवाइयाँ, जो थक्का गलाने की दवाई चलती थी, तो थक्का गलता था, नहीं गलता था, कभी कभी पार्शियल गलता था, कभी कम्प्लीटली गलता था, तो ये चीज़ें थी। लेकिन अब नया इनोवेशन आया है, इसको हम लोग प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हम लोग इमीडिएटली हार्ट के नस में बारीक नसें होती हैं, उसमें जाके उस नस थक्के को हम लोग बैलून करके डायलेट कर सकते हैं, वहाँ स्टंट लग सकता है। तो जैसे ही स्टंट लगता है इमीडिएटली हार्ट अटैक उसी जगह रुक जाता है। तो हार्ट अटैक हुआ, लेकिन अगर आपने जितनी जल्दी प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कर दी उतने जल्दी ये हार्ट अटैक वहीं पर रुक गया। इसी वजह से हम जोर देते हैं कि जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए, ऐसे हॉस्पिटल जहां प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की सुविधा हो। मान लीजिए नहीं भी है तो ऐसे हॉस्पिटल जहां थक्का गलाने की दवा दी जा सके। तो जितनी जल्दी थक्का गलेगा, जितनी जल्दी फ्लू आएगा हार्ट की आर्टरी में, संभावना बचने की बढ़ जाएगी, क्योंकि हार्ट के मसल कम से कम डैमेज होंगे। इसलिए जल्दी पहुंचना चाहिए ऐसे जगह पर प्राइमरी, ये नया इनोवेशन है प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, जो इंडिया में अब ऑलमोस्ट सारे अच्छे हॉस्पिटल में होता है। लेकिन एक ही चीज़ है कि थोड़ी महंगी इलाज है, गवर्नमेंट में लगभग ये 40-50 हज़ार में से लेके, और प्राइवेट में ये 2.5 से 3 लाख 3.5 लाख तक पड़ता है। लेकिन ये प्राइमरी एंजियोप्लास्टी लाइफ सेविंग है, ये करना चाहिए, और जितनी जल्दी हो उतना जल्दी करना चाहिए। इसी के साथ आज के इस वीडियो को हम ये भी समाप्त करते हैं, मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, एक कदम स्वास्थ्य की ओर। थैंक यू, थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे व्यूवर्स को इतने सारा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू।